Right. ज़्यादा इन्वेस्ट स्टार्टिंग में करना नहीं चाह रही थी मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैं ग्राउंड लेवल से देखना चाह रही थी और ज़्यादा किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने सोचा क्योंकि स्कूटी सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि आपको कुछ सेल करना है ऑब्वियसली उसके लिए आपको सामान भी लेना पड़ेगा, तो स्कूटी दोनों काम करती है ईजीली। एक्चुअली ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करना था अपना, तो उसके लिए मैं सोच रही थी और फिर मैंने सोचा मैंने MBA किया है तो उसी डिग्री को क्यों ना मैं अपने साथ लेके चलूँ। और फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा चलो इसी को पकड़ लेते हैं, अपना काम तो करना है साथ साथ ट्रेंड को भी पकड़ते हैं, तो मैंने इसलिए ये नाम चूज़ किया। आज इधर आई थी तो मैंने देखा एक नया कुछ इनोवेटिव MBA फूड वाली बोल के, तो मन किया थोड़ा टेस्ट करे कैसा है। तो खाना बहुत हाइजीनिक मतलब फूड्स है, हाइजीन मेंटेन करते हैं और अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। আপনার নাম ইনি যে এমবিএ পাস করে নিজের ব্যবসা শুরু করেছেন কি বলবেন? আর এই যে বেকার এই ব্যবসাটা করতে কয় পরে হচ্ছে এটা আচ্ছা আপনারা এখানে আসছেন কি বলবেন? अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट बहुत अभी सुनने में आ रहा है, निकल के आ रहा है MBA फूड वाले, MBA चाय वाले, सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट जो सिलीगुड़ी में भी अभी देखने को मिल रहा है, सो इट्स गुड, अच्छा है एंड वी विल सी फर्दर और ट्राई करेंगे इनकी न्यू न्यू चीज़ें कि क्या है कैसा है। फ़िलहाल मैंने आज भेल लाइक पापड़ी चाट खाया तो इट्स गुड ओनली। लगा दो।